सुपरपुरा मेट्रो स्टेशन खाली है, 6 बजे निकले थे ऑफिस से। ओह अब टाइम हो रहा है क्या भाई, देख के बताओ। टाइम हो रहा 7:10। भोसड़ी के हाथ में मोबाइल नहीं है लेकिन ऐसा क्या हाथ में है, 7:10 ठीक है, हाथ में नहीं है गाड़ी और ऐसे करके बता रहा है 7:10। अरे नहीं यार, टाइम देख रहा था मैं मेट्रो में। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बहुत बुरा हाल है आज, पिछले 2 दिन से बहुत बुरा हाल है मेट्रो का। मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब भीड़, इतना ज्यादा भीड़ के इतना मतलब मैंने कभी नहीं देखा अपने लाइफ में। मैं तकरीबन 2 साल से दिल्ली में हूँ मगर मैंने कभी नहीं देखा भाई इतना भीड़। मतलब पीछे ही हमारा है ऑफिस और 100 मीटर की दूरी होगा मेट्रो स्टेशन, लेकिन मेट्रो पे। हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सब मेरे नए और एक वीडियो में। मैं अभी हूँ नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी मॉल में और ये है पीछे कुछ देख लो आप, सब मतलब सिचुएशन हुआ है दिल्ली में कोरोना केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के लिए। तो पिछले 15 मिनट पे लाइन पे हूँ और आप देख लो पीछे, आपको आगे एक कमरे से दिखाते हैं, पूरा रास्ते तक लाइन है। मैं ये बोल रहा हूँ दिल्ली में कोरोना केस ज्यादा बढ़ रहे हैं और मेट्रो पे ये लंबे लंबे लाइन लगा के हम लोग एंटर हो रहे हैं, लेकिन मेट्रो के अंदर जो ऐसे लोग गैदरिंग होते हैं ना, एक के ऊपर एक बैठते हैं, एक के पास बैठते हैं, तो उसका फायदा क्या ये बताते हैं। अभी नहीं बोल पाऊंगा, अभी बंद कर, कुछ बता नहीं पाएगा अभी नहीं। तो ये तो जाएगा वीडियो में ये पार्ट भी जाएगा वीडियो में, इस साल वीडियो हुआ क्या। हाँ ये देख वीडियो आ भाई, हालत खराब होने वाली थी, आधा घंटे से लाइन भी होती है और कम से कम और आधा घंटा लगेंगे मेट्रो तक पहुँचने के लिए, काफ़ी लंबा लाइन है और बीच बीच में लोग भी घुस रहे हैं यार। मैं अभी जो खड़ा हूँ वहाँ से और 100 मीटर मुझे आगे जाना है और पीछे कम से कम 200 से 300 मीटर पूरा रास्ते से लोग खड़े हुए लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ झगड़ा कुछ ऐसा सीन हो गया, तो पता नहीं क्या होगा, कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल, बोल के इतना बोलता है उधर कुछ तो बोल। ये भाई है मेट्रो स्टेशन के अंदर का लाइन, ठीक है भाई। उस दिन दिखाया था ये है सेल्फ टिकट मशीन और ये है इन सर्विस दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये चल रहा है। तो और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये जो आप दिख रहे हो ना, ये पूरा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है, ठीक है। और ये है मशीन है जो आप सेल्फ टिकट निकाल सकते हो, तो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको दूसरे और एक दिन दिखाऊंगा किस प्रोसेस से वो टिकट निकलता है। फिलहाल तो कोरोना है और लंबी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है सिक्योरिटी चेकिंग ऐसे होती है मेट्रो पे, ऐसे होते मतलब यहाँ पे आपको बैग डालना पड़ता है, उस साइड निकलेगी और यहाँ पे मतलब पूरा आपको चेकअप होता है, मोबाइल ईयरफोन कुछ भी लेके आप नहीं जा सकते हो, पूरा सब हाथ में होना चाहिए, बैग में कुछ नहीं। चेक इन कराने से पहले सभी यात्री अपनी पॉकेट से पर्स सामान भाई, मेरा हो गया चेक डन अभी में। चेक इन कराने से पहले सभी यात्री अपनी पॉकेट से पर्स 111 रुपये बैलेंस है मेरे मेट्रो कार्ड में। और देखो अंदर का व्यू मेट्रो स्टेशन।
लोग देख रहे हो। और रुकियो जरा, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, थोड़ा काम है, थोड़ा वीडियो बना लेते ना, ब्लॉग करना है। क्या इतना जल्दी देते, वैसे तो लेट हो रहा है ना। ये आ गया मेट्रो, लेकिन हम जाएंगे सेकंड वाले मेट्रो में, इसीलिए मेट्रो छोड़ दिया क्योंकि हमको बनाना है ब्लॉग, बहुत सड़क के हमको बनाना है ब्लॉग, ठीक है। ऊपर पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, 6 बजे निकले थे ऑफिस से। ओह, अब टाइम हो रहा है क्या भाई, देख के बताओ। टाइम हो रहा 7:10। भोसड़ी के हाथ में मोबाइल नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हाथ में है, 7:10, ठीक है, हाथ में नहीं है गाड़ी और ऐसे करके बता रहा है 7:10। अरे नहीं यार, टाइम देख रहा था मैं मेट्रो में। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, बहुत बुरा हाल है आज, पिछले 2 दिन से बहुत बुरा हाल है मेट्रो का। मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब भीड़, इतना ज्यादा भीड़ के इतना, मतलब मैंने कभी नहीं देखा अपने लाइफ में। मैं तकरीबन 2 साल से दिल्ली में हूँ, मगर मैंने कभी नहीं देखा भाई इतना भीड़। मतलब पीछे ही हमारा है ऑफिस और 100 मीटर की दूरी होगा मेट्रो स्टेशन, लेकिन मेट्रो स्टेशन में पहुंचते हमको पूरा लग गया 1 घंटा, लग जाएगा ना, कम से कम 1 घंटा हो गया, ठीक है। अभी इंतजार कर रहे हैं और ये है, यहाँ पे है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये यमुना होके नोएडा आने वाली जो मेट्रो है, नोएडा तक आती है, ये लास्ट स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। इसके अगर जाती नहीं, फिर वापस होके फिर वो जाते हैं सेक्टर 15 और सेक्टर 62 होके पूरा यमुना होके फिर पूरा दिल्ली तक एंटर करती है, ठीक है। तो और नोएडा में भी कर्फ्यू है, नोएडा में कर्फ्यू का क्या सीन है? नोएडा में कर्फ्यू है 9 से 10 ना, पूरा दिल्ली जैसा ही है, 10 से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। तो वही सीन है इधर ही, तो हमारा मेट्रो बात कर ले। फिलहाल तो मेट्रो स्टेशन खाली है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे, मतलब सामने जो मेट्रो स्टेशन वो है 63 पूरा बढ़ जाएगा, और सामने 59 मतलब। मुझे जाना है उस साइड। अभी हो यमुना मेट्रो स्टेशन, और ये वीडियो एक्चुअली बनाने का कुछ प्लान नहीं था, मैं ऑफिस से निकला और मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद देखा जो मेट्रो का लाइन लगा हुआ है, ये लोगों का लाइन लगा हुआ है मेट्रो स्टेशन पे कोरोना के लिए, तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। और वैसे दिल्ली में कर्फ्यू लग चुका है, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में, नोएडा यूपी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। तो जब भी कुछ करना पड़ता है बहुत तेजी तेजी से करना पड़ता है, और मास्क लगाना तो दिल्ली में हर जगह लगाना अनिवार्य है, नहीं तो बहुत बुरी तरह चालान काटती है। और हमारे मेट्रो आ रही है अभी, और यहाँ से जाएंगे लक्ष्मीनगर तक, ठीक है। तो वीडियो ही प्लान करते, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एसडी ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, बस इतनी चीज़ होती है।